क्या नाम होता है? ये हमारे चमन शर्मा जी हैं, जो कि सरान पंचायत से हैं। आज ये भाजपा की जो है कुनीतियों से दुखी होके जो है कांग्रेस परिवार में जो है सम्मिलित हो रहे हैं, और ये बड़े कर्मठ जो है भाजपा के सिपाही रहे और कई वर्षों से 15-20 सालों से जो है भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जो है कार्यकर्ता रहे हैं। आपको कांग्रेस पार्टी में आने पर बहुत बहुत आपका स्वागत और आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये हमारे जटकरी पंचायत से हैं, ये हमारे जटकरी पंचायत से हैं तेजोराम जी, जो कि हुरेड वार्ड से हैं और भाजपा के ये भी कर्मठ सिपाही रहे हैं कई सालों से। आज ये भाजपा की कुनीतियों से दुखी होके जो है कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। तेजो जी, आपको कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने पर बहुत बहुत बधाई। अच्छा, वो जो कल करेंगे, ये हमारे मनोज कुमार जी हैं, मोनू कुमार जी हैं, ये मंगला पंचायत से हैं। आज ये भी जो है भाजपा परिवार से जो है भाजपा परिवार को छोड़ के जो है कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। और मोनू जी, आपका कांग्रेस परिवार में आने पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे मुनीम जी हैं और ये पलियूर पंचायत से हैं, संगेरा से हैं। आपका भी मुनीम जी कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। मुबारकबाद जी हैं और संगेरा से हैं, और इनका भी जो है भाजपा परिवार को ये छोड़ के आज कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत जो है आपका मुबारकबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठो ओ जनाब, आप अशोक जी बैठ जाओ, मेरे को शर्मिंदगी होती है आप खड़े रहते हैं। सारे आ जाओ, जो बीजेपी के बड़े पुराने हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मेरा नहीं है जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मिर्च भाई जिंदाबाद, मिर्च भाई के वास्ते, अली के तो रास्ते, मिर्च भाई के वास्ते, अली के तो रास्ते, मिर्च भाई बल्ले बल्ले, बाकी सारे थले थले, मिर्च भाई बल्ले बल्ले, बाकी सारे थले। नमस्कार सर, सबको नमस्कार। हेलो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद, चंबा का नेता कैसा हो, नीरज भाई कैसा हो, चंबा का नेता कैसा हो, नीरज भाई जैसा हो, भग सिंह बरमोरी जिंदाबाद, भग सिंह बरमोरी जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद।
से केला एक्स वार्ड मेंबर है और केला गांव से है। अशोकी आपका कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने का भाजपा के जो है बहुत कर्मठ मुझे बताया गया है, कर्मठ जो है नेता रहे हैं और ये भाजपा की नीतियों से तंग आके आज जो है कांग्रेस पार्टी का दावा हमारे आपको बहुत मेंबर फोटो ग्रुप फोटो ये भी जो है केला गांव से है हड्डा पंचायत में और ये भी भाजपा के जो है कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। आपका भी जो है कांग्रेस परिवार में आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पवन कुमार जी शेरू से, ये हमारे पवन कुमार जी हैं जो दरड्डा पंचायत के शेरू गांव से जो है ये हैं और ये भी भाजपा की कुनीतियों से दुखी होकर जो है आज कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। आपका भी जो है कांग्रेस परिवार में आने पर बहुत बहुत मुबारक हो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद। ये हमारे चमन जी हैं और ये प्रोथा पंचायत से हैं, सालों बूथ से हैं और ये भाजपा के बहुत ही कर्मठ जो है सिपाही रहे हैं 1970 के दशक से ये वहाँ भाजपा का काम कर रहे हैं और वहाँ के जो प्रधान हैं उनके भाई हैं, ब्रदर भी हैं, वहाँ के जो सिटिंग प्रधान हैं उनके भाई हैं। आपका भी चमन जी कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने पर आपको बहुत बहुत बधाई। ग्रुप फोटो ले लो सारे ¡Gracias!
अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले, सीढ़ियों पे चले जाए प्लीज। जी मेहर सिंह जी, क्या चल रहा है? और बस सिले ग्रांट इन मीटिंग है लगी थी, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, ब्यागा 8 बजे, ब्यागा 8 बजे या शामी 9 बजे बाद, या ब्यागा 8 बजे भेजी तो ज्यादा बेहतर। ठीक बोलिए तो आज कांग्रेस पार्टी की इस मीटिंग में हमारे बीच कांग्रेस पार्टी व हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी व डिस्ट्रिक्ट जी और हमारे बीच उपस्थित बरोर पंचायत की प्रधान लक्ष्मी देवी जी, नीर नीर जी के साथ आए हुए लियाकत खान जी, हमारे बीच जुड़ेरा पंचायत के जो हाल ही में कई वर्षों से जो बीजेपी पार्टी में थे नानक जी, और हमारे बीच उपस्थित मनोज कुमार लाला जो कनीम से हैं, मनोज कुमार जी वार्ड मेंबर, प्रधान बाहर से आए हुए हमारे प्रधान प्रताप सिंह पूर्व प्रधान उटी जो कि 7 बार प्रधान रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जांगी जो कई वर्षों से बीजेपी पार्टी में थे वो भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं, और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नीरज नैयर जी के साथ आए हुए बाहर से गणमान्य व्यक्ति, हमारी दोनों पंचायत के भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों का अभिनंदन करता हूं, का स्वागत करता हूं। तो साथियों मैं आपको बता दूं क्योंकि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अगर हम कहें तो आने वाले हमारे विधायक जिस हिसाब से लोगों का हजूम इनके साथ जुड़ रहा है, जिस हिसाब से लोगों का इनको समर्थन मिल रहा है, हमारे नीरज नैयर जी ने जो हमारी पंचायत के बीच बिना लोगों को पता नहीं होगा मैं वो आपके समक्ष जो है रखूंगा। तो बात ऐसी थी कि हमारे एक मोहाल मैंगल है, मैंगल के थोड़ी देर के बाद आपके समक्ष कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे जो वर्षों से बीजेपी पार्टी के थे, और वो लोग भी यहाँ पे हैं और सारे लोग हमारे बीच हैं। मैंगल स्कूल में ऐसा था कुंडू बजा मैंगल मनेठी रगनाल हमारे बलाला बहुत ऊपर वाले गांव से जो है सिल्ला ग्राट में आना पड़ता था, फिर भी 1700 वोटों से जो है हमारे प्रत्याशी जो है नीरज नैयर जी रहे थे। आज की डेट में पूरे हिमाचल प्रदेश में 18 विधानसभा के अंदर सबसे टॉप पर जो है हमारे प्रत्याशी श्री नीरज नैयर जी हैं जो चल रहे हैं, जिनकी सीट पक्का 100% बीजेपी हो या कांग्रेस हो वो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं जो सिल्ला देते आया हम इस बार जो इससे भी अधिक लीड देंगे ताकि हम बढ़ कर के जो है अपने इलाके में जो है विकास जो है वो करवा सकें। तो इन्हीं शब्दों अच्छे जुझारू ईमानदार और गरीबों की देख रेख करने वाले हम इनके साथ पहले भी जुड़े भाई लोगों असी बड़े मतलब बीजेपी पार्टी के भी चले कारीगरी बाहर सुटे कि भाई तुम्हारे को कोई हो नहीं है, ये बोलते हमारे बच्चे रे आज नौजवान ने रिपोर्ट मिले असी इन्हें कने जुड़े हमारे आदरणीय नीरज नैयर जी हमारे से बोलते कि कांग्रेस पार्टी एक बार मेरे साथ बोलेंगे कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी बनाना जिताई करी असी विधानसभा शिमले पुजाना तो असी सारे लोग का एकजुट होई करी इन्हें जो वोट देने ये मेरा सारे का रिक्वेस्ट निवेदन है और बड़े बड़े धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के सदर चंबा से साथ में बैठी हुई हमारी पंचायत प्रधान गगरोता
उनके हस्बैंड यासीन जी, अपने लियाकत जी और अपने हैं, ये अभी अभी इन्होंने ज्वाइन किया बीजेपी से, कांग्रेस में आए हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। इन सब का मैं यहाँ पर सिल्लाघाट में आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि सिल्लाघाट के मैक्सिमम लोग मुझे जानते ही हैं कि मैं थोड़ा सा इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आना जाना है मेरा, घर है मेरा इधर, ठीक है, ये मेरा परिवार है। तो आज मुझे मौका मिला कि आज इनसे और ज़्यादा रूबरू हो जाऊँ। वैसे तो बड़े अंदर तक इनके पास मैं जाता हूँ, मिलते हैं हम लोग, तो आज चलो पार्टी की वजह से। तो अभी हमारे रफ़ी जी ने जो बोला कि नीरज नैयर जी वाकई एक कर्मठ और बहुत जुझारू कैंडिडेट हैं, और हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि ये तो क्या, ये तो एक कैंडिडेट हैं, लेकिन हमें जो जनता है जिन्होंने इनको वोट करना है, वो पूरे पूरे लोग जो हैं वो इनको वोट करें और इनको जिता के शिमला में हमारे विधानसभा में एक विधायक के रूप में भेजें। आपको जैसे पता ही है कि बीजेपी वाले आजकल क्या ड्रामा कर रहे हैं। हमें भी थोड़ा यहाँ पर शक हुआ था कि सिल्लाघाट में भी कुछ ऐसी ही मुहिम चली हुई है कि लोगों को ज़बरदस्ती बीजेपी में डाला, लेकिन आज ये देखने को मिलता है कि मेरे वो भाई बीजेपी का कहना है कि भाई हमारा कैडर वोट कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होता है, हमारा कैडर वोट कहीं बाहर नहीं जाता है, वो हमारे पास ही रहता है। तो आज मैं नीरज नैयर भैया को बता रहा हूँ कि नीरज भैया जी, ये हमारा कैडर वोट है कांग्रेस का जो आपके सामने है, ये कभी बाहर नहीं जाएगा। भले ही इनको ज़बरदस्ती पिछले दो चार दिनों से इनको प्रताड़ित किया गया, इनके ऊपर प्रभाव डाला गया, लेकिन ये लोग टस से मस नहीं हुए, आज जीते और हमारे इलाके का विकास करें। जय भारत, जय कांग्रेस, जय मोदी। जिसका समर्थन करता है वो उसी हिसाब से जो है वो बना रहे हैं, अपने वो सर्वे बनवा रहे हैं, सर्वे तैयार कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं रियलिटी बोल दूं आपको, हाल ही में लगभग जो वो उपचुनाव थे, उस उपचुनाव के अंदर केंद्र से जाके पूरे तन मन धन सरकारी तंत्र सारे जोर लगाने के बावजूद भी 453,000 वोट से वहां पे जो भाजपा के सांसद पिछली बार जीते होती है वो उन्होंने वो लीड तोड़कर 8,000 वोट से जो है जीत हासिल की। और उसके बाद मैं आपको बोलूं कि तीन जो है विधायक विधानसभा के चुनाव थे वो तीन के तीन जीते। डेढ़ साल रूलिंग पार्टी उसी सरकारों में भी रहे, काम वहां पर भी उनके साथ रहे, तो जो काम वो नहीं कर पाए या एक ईमानदार नेता था वो तो चला गया ग्रामीण का। दूसरा ग्रामीण का ईमानदार बहुत नेता नीरज नैयर आया है, ये कोई शक की बात नहीं है। हमने इनके पिताजी को भी देखा है, वो मंत्री थे, कैबिनेट शिक्षा मंत्री थे, उनको भी देखा है, उन्होंने कितने ईमानदारी से इन इलाकों में काम कराया। जिस वक्त सागरचंद जी होते थे इस वक्त पूरा इलाका ये कांग्रेसी का होया करता था सबसे पहले। दूसरी बात, राजा वीरभद्र सिंह ने जब राजा वीरभद्र की सरकार थी तो ये पूरा सड़कों का जाल राजा वीरभद्र ने बिछाया, ओइल सड़क, सुनोत्था सड़क, घोघरौता, ठुंडू मुंजा सड़क, जो जिन सड़कों उन्होंने उस टाइम की दी हुई सड़कें हैं, उन्होंने उस टाइम के कुछ सड़कों के टेंडर लग गए थे। लेकिन आज के जो विधायक है वो कहते हैं कि ये सड़कें हमने बनवाई, और कुछ लोग इनके लोग कहते हैं कि इन्होंने ये विकास कराया। अगर ये कोई बता दे कि किस टाइम के कितने सन में ये सड़कें वीरभद्र जी ने सैंक्शन करवाई हुई है, तो ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि हमने ये सड़क बनाई, ये सड़क हमारी मैंगल ठुंडू बुंजा को सड़क एक सैंक्शन हुई है, तो ये कहते हैं कि ये ग्रेड नहीं बन रहा है, खजार जुमार अन्य कितने पहाड़ी क्षेत्रों में गाड़ी जाती है, और यहाँ पर जितने लोग हैं बोलते हैं कि अगर ये बनाना चाहते तो 5 साल के लिए इनको भी बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं किया, ये करते हैं बोर्ड की राजनीति। तो हम ज़्यादा कोई बड़े नेता नहीं है, और जितने ईमानदार जितने सब छवि के नेता नीरज नैयर जी है कोई शक की बात नहीं है, मोदी ला रहा है। लेकिन आज बाई में चंबा कंसल्टेंसी में जितने हिमाचल प्रदेश के जितने सर्वे हो रहे हैं, जितने 8 सीटों का सर्वे, उसमें टॉप के अपन नंबर सीट चंबा की आ रही है। अब लोगों की यह तय करना कि हम कितने भारी वोटों से जिताकर नीरज नैयर को यहाँ से भेजेंगे। ये लोग उनके नहीं है, लोग हमारे हैं। ये लोग जब 12 तारीख को बटन दबाएंगे तो कांग्रेस का ही दबाएंगे। और हम नीरज नैयर से गुजारिश करते हैं, जो सड़कें रह गई है, जो मैंगल की सड़कें हैं, इतना मैंगल, यहाँ जितने लोग हैं
एक मरीज बीमार पड़ता है उसको पालकी में डालकर कितनी कठिनाइयां होती है यहाँ पर लाने के लिए। नीरज नियर जी, वह कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों पर आरक्षित पदाधिकारी व अन्य अतिथिगण, आप सभी का मैं हमारी पंचायत पर पधारने पर आपका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। वह पंचायत के प्रधान, भुगरौदा पंचायत के प्रधान व अन्य अतिथिगण व भुगरौदा पंचायत व सिलघाट की जनता, आप लोगों का सभी का यहाँ पधारने पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी श्री नीरज नियर जी को चंबा के विधानसभा से जिताकर शिमला विधानसभा में भेजे ताकि ये हमारी चंबा विधानसभा का विकास कर सके। महिलाओं से मेरा खास गुजारिश है मेरी कि ये योजना के तहत 18 से 60 साल 60 वर्ष की महिलाओं को हर वर्ष 1500 रुपये, हर महीने 1500 रुपये इनके खाते में पड़ेंगे, जिससे हमारे परिवार का अच्छी तरह से गुजर बसर हो सके। विधायक बनने पर श्री नीरज नियर से मेरी गुजारिश है कि हमारी घुघरौता पंचायत व शिलघाट पंचायत के जनता व लोगों का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। मैं गुजारिश करूंगा बिंद्रो राम लोइन से कि वो स्टेज पर आए। और बिंद्रो राम जी, आपका भी कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। अब मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर चमनो गांव लोइन मोहम्मद रफी सनोफ इसराइल जीपी चंबी, मोहम्मद रफी सनोफ इसराइल ग्राम पंचायत चंबी। इसके बाद मैं मोहम्मद रफी जी, आपका भी कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। इसके बाद मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा पंकज कुमार बंजा गांव बंजा। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारी पंचायत के बहुत ही एक जुझारू और जो बीजेपी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, देवेंद्र कुमार जी हमारे जो है वो स्टेज पर आए और वो भी स्वागत कर। देवेंद्र कुमार जी जो सुनोत था और रवि कुमार जी से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर आए। आ गया चलो जी, आपका भी स्वागत है। मैं आपको गिनाना चाहूंगा कि पिछले 5 साल जो हम लोगों ने शिक्षा मंत्री थे, उसके बाद मुझे याद है जब मैं 2000 में जिला परिषद का मेंबर आपने बनवाया और 2001 से मैंने अपना काम कार्य करना शुरू किया। और मुझे याद है कि कहां बुदोथा सनोथा चलूंज चंजेरा मैंगल बंजा लोइल और ये बरियुली पनियाल पंचायत के, मैं अभी इलेक्शन के दौरान भी गया था, बहुत से काम हुए और कई काम होना बाकी रहे। आप ही को पता है कि यहां से कई मजदूर हमारे भाई लोग जो थे मजदूरी की उन्होंने पीडब्ल्यूडी में आईपीएच में, और राजा वीरभद्र सिंह की सरकार थी कि 33,000 मजदूरों को पक्का किया और उनको पेंशन भी लगाई, लेकिन आज की सरकार में वो पेंशन नहीं मिल रही है। 11,000 आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए, 11,000 और 22,000 लड़कियों को रोजगार मिला, वो कांग्रेस पार्टी की ही सरकार ने दिया। आज हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहां सामने, राजाओं महाराजाओं की जमीनें हुआ करती थी और इंदिरा गांधी जी ने 1972 में और राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो हमारे यहां भेड़ बकरी बालक हैं, जो हमारे भैंसों को चराने वाले हैं, उनको धारों पे जाकर अपनी भेड़ बकरियों को चराने के, भैंसों को चराने के परमिट दिए भाइयों के, नहीं दिए? कांग्रेस पार्टी, भारत को आजाद करवाने वाली कांग्रेस पार्टी और विकास करवाने वाली कांग्रेस पार्टी। आज चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल जड़ेरा जिला की बात हो, चाहे ऐसे कई काम है, चाहे आंगनबाड़ियों की बात, सरकार ने 2012 से 2017 में, तो अब इनके पास स्कूलों की लिस्ट है, 27 स्कूल जो थे मेरे पास एक लिस्ट, और काफी काम जो है करवाए। और आगे भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी सरकार है, ना जाति देखती है, ना भेद देखती है, ना लिंग देखती है। और अभी जो 10 गारंटियां दी हुई है कांग्रेस जो सरकार बनने पे
जो है वो लागू होंगी वो नीरज भाई जी आपको बतलाएंगे, महिलाओं के लिए युवाओं के लिए क्या रोजगार दिया जाएगा। और मैं आपसे वायदा करता हूं, मैंने अभी पिछले साल ही इलेक्शन जो है अभी डेढ़ साल हुआ इलेक्शन के लिए मैं घूमा और मुझे मेरी वाइफ जाहिदा अंसारी को बहुत ज्यादा वोट मिले यहां से। और मैं सनोट था, अबदोट था, द्रीणी, चलून, चजर, जो मैंने ना काम काम गिनाए हैं मैंने खुद जाके देखे हैं। तो भाई नीरज नैयर जो एक कर्मठ नेतृत्व है, बहुत शालीन व्यक्तित्व है, श्री निवासी है रिकॉर्ड के अंदर, ये भी शिला निवासी है, इनकी जमीन है, ये आपके कंध बिहार है। बहुत सारी बातें सुनी शर्मा जी ने, बड़ी डिटेल के साथ बताया कि विधायक साहब जी की क्या क्या उपलब्धियाँ हमारे ऊपर रही, कि लोग तो देते थे और ये वो निकले जो दिया हुआ भी ले लेते हैं। जैसे डिपो की बात चली, बड़ी सारी बातें लोगों ने यहाँ की अपने सामने। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर जात मजहब को साथ लेके चलती है। अगर इस देश को आज़ाद करवाया तो कांग्रेस पार्टी ने करवाया। एक जमाना वो हुआ करता था जिसको रानी जन्म देती थी वो राजा बनता था, लेकिन देश कांग्रेस पार्टी ने करवाया आज़ाद। और राजाओं के टाइम के अंदर इन इलाकों के अंदर सार जो नौजवान लोग हैं, नौजवान मेरे भाई हैं, उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा। उस वक्त यहाँ पर चार और लखनियारे जो थे वो हुकूमत किया करते थे। अगर आपने खेतों के अंदर बीज डाला हो, चार और लखनियारे ने हुक्म कर दिया कि आपको फलानी बगार करने को जाना पड़ेगा, तो आप वो बीज वहीं का वहीं रह करके के वहाँ बगाड़ने की नहीं करती थी। आज कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी लड़ी और देश को आज़ाद बनाया, और वो देश ऐसा बना जिसमें सिर्फ एक जात और मजहब का नाम नहीं दिया, ये देश सारे देशवासियों का देश बनाया, धर्मनिरपेक्ष देश बनाया, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका बराबर का हक दिया कि ये सबके सबका देश है। भारतीय जनता पार्टी झूठे शोषण करने वाली बात बात ही करती है। ये कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि सबको साथ लेके चलती है। अभी यहाँ बात चली कि विधायक साहब जी कह रहे थे कि 60 साल के अंदर कांग्रेस ने यहाँ कुछ भी नहीं किया। मेरा ख्याल है उनको यही पता नहीं लगता कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि चंबा से सामान लाते थे, लेकिन आज आपके घर घर यहाँ गाड़ियाँ पहुँच रही हैं और तरक्की की रफ्तार जो है आगे कांग्रेस पार्टी की बदौलत ही बढ़ रही है। जितने भी इस इलाके के अंदर तरक्की हुई वो कांग्रेस के टाइम के अंदर ही हुई, कांग्रेस के टाइम के अंदर ही तरक्की हुई। और मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले समय के अंदर अब आप लोग सब एकजुट होकर करके अब इन झूठे लोगों के वादे में मत जाना, भूल कर कभी सांप के बच्चे से प्यार मत करना। भारतीय जनता पार्टी वाले 100 झूठे आश्वासन दें भाइयों, अब इनका इतवार मत करना, इनका इतवार मत करना। आज कांग्रेस पार्टी की जो हवा है वो सारे हिमाचल प्रदेश के अंदर चली है, नीरज नैयर के ऊपर व्यक्त किया है, कांग्रेस पार्टी के व्यक्त किया है। कुछ लोग दल बदल भी हैं, यहाँ के भी कुछ दल बदल गए, लेकिन वो लोग बीनी बीनी करी बोलिया इस बीच तक कोड़कू ज्यादा तो दाल गाड़ी हो चली गई मैले ते राजा वीर भद्र सिंह फाड़ना तो सत्ते कोकड़ा अंदर सुट जाए ना सत्ते दो सतीमा लग जाए फोआ ते रबड़ी बन जाती थी। तो मैले गल ही है जे भारतीय जनता पार्टी दाल को तो नहीं है गल की, तो गल ही है जे कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्हें देश जो चलाया ये सब्सिडियां को नहीं दिती इन्हें दिती। ये तो अगर नेरा बस चलो ना चलना मेरे तो साह पहले ही निकली गए रहे मेरे साह निकली गए रहे अवे कद साह देने लाए तुम तो अवे मरे रहे जो तुम अक्का लाए कर दे नहीं होने से लोगों ने फैसला कर ले रहा कि अवे कांग्रेस पार्टी जी है सही असने वोट देना। शास्त्री जी इतने बैठे बड़े जन्म जात के शुरू कई बीजेपी के कई बार असने कहने कोशिश की बोले ना जी ना ना जी ना अबे जयकरण और भाई ना हसन और नहीं वो पक्की बात है। दूसरे दिन गए वो सारे उन्होंने बड़ा भारी धाम धूमधाम इंतजाम की तरह बोले जी अभी सारी उम्र ठगिन दे रहे मारे बुजुर्ग भी ठगिन दे रहे लेकिन अबे मिंजो से जमारा पास एक चतरो लाल है तसेरा भी कल टेलीफोन आया वो बोले हांडा जी चिड़ी डावड़ा सब बदली गया मैले गल क्या वो बोले जड़े जन्म जात दे दिए सब कांग्रेसी बनी गए एक नहीं रहा बोले चिड़ीड़े बिच जंतु कोई ते अवे तो भी कोई कदा जंतु है तो अपने घर बिच इतने आई जाओ
ते अपने इस इलाके की डेवलपमेंट वास्ते तरक्की वास्ते सारे जड़े ने ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जड़ी देश जो चलाई सकती जड़े देश हर जात मजहब के नाम पर लोग जो कट्ठी करी करी वो करी सकती देना वो हत्था वाला बटन दबाना वो मेरे ओ वोट रो अम्मा जो समझाई देना बापू जो गलाई देना हत्था वाला बटन दबाना वो मेरे ओ वोट रो हमारे देवेंद्र और थापा जी जो हैं जिनको हम यहाँ पे अपने स्थानीय नाम इनका थापा है देवेंद्र देवेंद्र नाम से बहुत ज्यादा गगरोथा पंचायत जड़ी है हमारी और आसे पासे के जड़ा लगदी पंचायत का मेरी माताएं मेरी बहने मेरे बुजुर्ग जो यहाँ आज सवेरे से जो है इस मीटिंग के लिए यहाँ बैठे हैं मैं सारे का बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहता मुझे पता है अजकल जमीन का बड़ा भारी कम है लगे था ते कने प्रधान जी ने दस अज कोई ब्याह है कोई क्या है बड़ा भारी कम है इस टाइम लगे था फिर भी इन्नी भारी तादाद अंदर तुसी सारे लोग इतने किट्ठे होए तो बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहता तुसा सारे का ठीक है मैं सारे कार्यकर्ता का बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहता कने मैं सारे दे ना नहीं लैने के जो कि मन च अंदर फिर मैं भूली जाना कई ना बड़े सम्मानित जड़े हमारे नेता हैं मेरे कन्ने इतने मन च अंदर बैठे दे तो मैं सीधे एक ही शब्द बोलना कि जो कि टाइम भी घट है सम्मानित मंच जड़े सारे हमारे चंबे का आसे पासे का जड़े सारे लीडर इतने बैठे दे सारे का धन्यवाद मेरे कने आए मेरे कने इलेक्शन अंदर चले करते हैं अपना कीमती टाइम जड़ा है पार्टी जो दे करते हैं मिंजो दे करते हैं सारे का बड़ा बड़ा धन्यवाद गल ये है सारी तुसन जो पता है कि 12 नवंबर जो चुनाव हैं पिछले 15 वर्षा का चंबा कॉन्स्टिट्युएंसी अंदर भाजपा जड़ा विधायक है वो शासन करे करता है 10 साल आदरणीय बीके चौहान जी इतने दे विधायक रहे अवे 5 साल आदरणीय पवन अय्यर जी जो इतने की विधायकी करते हुई गए यानी कि 15 साल तकरीबन चले भाजपा जे विधायक जो चंबे कॉन्स्टिट्युएंसी अंदर हुई गए मैं ग्रां ग्रां जाए करता है वोट मंगने वास्ते तो कई बार वोट मंगते मंगते मैं पूरा ना नहीं लिंदा अपना जी मैं बोलता मैं कांग्रेस पार्टी का नहीं रहा है तो 5 साल बाद मैं ना मैं तो दूजे वाला नहीं रहा बोले एक वाला नहीं है रहा मैं मैं सागर सागर जी नहीं है ना पुत्र फिर ही जड़े इन थोड़े शांत हो जाते तो बोलने का मेरा सारा मतलब सूखा है पी गए था पिछले 15 साल का वाकई ये सच्चाई की गल है मिंजो बोलना नहीं चाहिए था बीके चौहान जी आदरणीय बीके चौहान जी थी भाजपा के विधायक थी उन्हेरी एक गल थी जे उन्हें उन्होंने कुछ मार दें एक तो कम नहीं करते ते बिगाड़ जड़ी है से पूरी पांदे डराना धमकाना ते जड़ा एक काम जड़ा उन्होंने कित्या पिछले 5 साल अंदर उसेरा जड़ा असर है इस इलेक्शन जो जड़ा है मिंजो देखने जो मिले करता है मैं सारी जगह जितने भी जानता लोग जड़े हैं बड़े भारी दुखी हैं उन्होंने का बहुत ज्यादा जड़े हैं इनसे परेशान हैं जगह जगह जड़ा है मैं जितने भी जाएगा और एक हैरानगी की बात है एक हैरानगी की बात है मैं कई जगह मंदरा अंदर गया है देखो कितने धागे मैं पाए थे अबे मैं कई जगह मंदरा अंदर गया जहां मैं उसी मंदिर अंदर बोले मैं 1,00,000 रुपया दूंगा या तो भूली गए था ना या मुझे पता नहीं है मैं तो बड़ा बड़ी भगवान का डर था मैं तो बड़ी सोची समझी के मंदिर अंदर कोई पैसा देना हो या गुरुद्वारे अंदर देना हो या मस्जिद अंदर भी देना हो मैं बड़ी सोची समझी के बोलता कि जो कि मैं भगवान का डरने वाला आदमी है उत्ते बोली के जो मैं भूली गया था फिर तो मिंजो कुथे ऊपर भी जगह नहीं मिलनी तो नहीं गया पर मिंजो कई जगह ये चीजा देखने जो आई कि उन्होंने बोलिया कि मैं पैसा देना बाद अंदर देते नहीं तो गल ये है कि इस बारी हमारे का एक सुनहरी मौका है
हमारे का एक सुनहरी मौका है, हमारे का एक सुनहरी मौका है इस बारी हिमाचल प्रदेश जाना, तो इस जो बोलते सोने पर सुहागा, यानी कि विधायक भी कांग्रेस का आ गया। तो विधायक भी जड़ा है से कांग्रेस से आई जाना, सरकार भी जड़ी है, सरकार अपनी होए विधायक अपना होए तो बड़ा कुछ जड़ा है इलाके वास्ते ऐसी करी सकते। मैं तो जो बोलना चाहता मिंजो 10 साल जड़े इन राजनीति अंदर हो गए, 2012 अंदर जड़ा है मैं पहली बारी जड़ा है मिंजो राजा वीरभद्र सिंह जी ने एपीएमसी का चेयरमैन बनाया, जी ही मैं एपीएमसी का चेयरमैन बनया, मैं कम से कम 25 मुंडिया जो है एपीएमसी अंदर नौकरी दवाई, 25 मुंडे आज एपीएमसी अंदर नौकरी इन करे करते, और से जड़े मुंडे इन जड़े नौकरी करे करते इन मिंजो पता ही नहीं थिया कि मुंडे लाने कौन, मैं पूछे करता थिया जाई के उस टाइम मैं राजनीति अंदर थिया नहीं, अबे तो मिंजो पता है कि मेरे का लिस्ट है इन पे थिया, कोई बोलता मेरे बच्चे जो लाई दे कोई, उस टाइम मैं तोपे करता थिया मेरे का बच्चे ही नहीं थिए, मैं आपको पूछता थिया जरा मिंजो दसो कौन लाना है कौन लाना है, तो 20-25 बच्चे मैं एपीएमसी अंदर जड़े इन लाए, फिर उत्ते का फिर उत्ते का राजनीति अंदर एक शौक पैदा होया काम करने का, से सारी रैली जड़ी है मैं कराई, तो मुझे ध्यान है उस टाइम प्रधाना दे चुनाव थिए बड़े नजदीक, ये 2014 दी गल है मेरे ख्याल, उसके बाद ये प्रधाना दे चुनाव हुए, तो मेरे का बड़े बड़े प्रधानों ने दिए, इसका मतलब प्रधानों की जो इलेक्शन है वो सिर पे है, आपने पता भी किया है कि इन स्कूलों में बच्चे भी पूरे हैं, क्योंकि एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल को पता नहीं कितना लाख रुपए का जो है खर्चा सालाना लगता है, मैंने बोला राज साहब मैंने रिकमेंडेशन जो है डिप्टी डायरेक्टर से करा के ये कागज जो है सारे तैयार किए, 10वीं स्कूल था उसको 12वीं कराया, एक मैंगल के अंदर स्कूल था वो कराया 5वीं से, एक बडोथा के अंदर स्कूल था 5वीं से वो मैंने 8वीं कराया, एक प्रथम स्कूल था, जो काम होने वाला है आपको वो काम, जो काम मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं कि मैंने अपना कार्य प्रणाली ऐसी रखनी है कि जो आम आदमी जो है जो सिल्ला घराट से चंबा जाता है काम कराने के लिए, मैं चंबा के अंदर नहीं हूँ, मैं कहीं पंचायत के अंदर घूम रहा हूँ, मैं शिमला हूँ, और वो बेचारा पहले तो यहाँ की बस की टिकट इतनी महंगी है, पहले यहाँ से जाएगा ऑफिस जाएगा, फिर मैं मिलूँगा नहीं, फिर ऑफिस से वापस आएगा और खाली हाथ वापस आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सरकारी अफसर हैं उन लोगों को तनख्वाह मिलती है काम करने की, लाख रुपये महीना, 70,000 रुपये महीना, 1.5 लाख रुपये महीना, उनको मैं ये आदेश करूँगा, मेरे ये आदेश होंगे, चाहे कोई भी आदमी है, चाहे भारतीय जनता का पार्टी का आदमी क्यों ना हो, अगर उसको नलका लगाना है, उसको बिजली लगानी है, उसको मीटर लगाना है, मेरे फोन की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, जो आम आदमी है, जो आम आदमी है उनका काम जो है बिना फोन के होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन जो है विधायक काम गुजेरा होना नहीं, विधायक का और बड़े काम होंगे, बड़े काम करने जो जो गरीब आदमी का काम करता वही उसे पार्टी बन दी, मैं इस सिद्धांत पर चलता और मैं पीछे भी चलता आया तो आगे भी जिन्ना का टाइम मैं राजनीति अंदर है मैं बदले की भावना का नहीं कदम रहा, उसके अंदर जो हमारे कांग्रेस के जो प्रधान थे जिन्हें बोलते हैं, हालांकि प्रधानी तो देखो सिंबल पर पार्टी पर तो नहीं लड़ी जाती, पर जी हाँ बोलते हैं लोग कि भई ये कांग्रेसी प्रधान है, तो जड़ा कांग्रेसी प्रधान है उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया, उनके ऊपर झूठे केस बनाए गए, एक मेरी प्रधान इतने पीछे बैठी थी, ये था बेचारी बड़े भारी प्रधान इन जड़े इन्होंने डराए धमकाए कि भाई पटा पाई लैन भाजपा का, पटा पाने कने कुछ नहीं होंदा, दिल कने असली चीज है दिल, दिल कुते है, तुसी मेरी गल सुनो, तुसी जोर जबरदस्ती किसी का वोट ले सकते, पाना तो तुसी किले जाई के है कमरे अंदर, जोर जबरदस्ती वोट चली गया जमाना, पुराने टाइम थी पढ़े लिखे नहीं होंगे थे लोग ता ये चीजा चली पुंदे थी, आवे कुथे आवे मनते लोग आवे, तो बल्कि
जड़े लीडर हैं से जनता का डरन टाइम दे आ गया है। पहले हुंदा थी जनता पढ़ी लिखी नहीं हुंदी थी तो लीडर कर देती है कि भाई जबरदस्ती जो मर्जी आया करी देते हैं। अबे लीडर जो जनता का डरना पोना वक्त यह आ गया है। तो मैं तो सीधी यही गल बोलता जिसेरा काम होना है मैं बोली देना यह काम हो ही जाना, जिसेरा नहीं हो ही सकता मैं बोली देना है मेरे पैसे की गल नहीं है भाई। तो जो अच्छा लगे बुरा लगे और जो मैं आपको बता दूं जो काम मैंने बोल दिया नहीं होगा वो काम होगा ही नहीं फिर और वो होने लायक ही नहीं होगा। ऐसे ठगड़े रहना तुसे जो 5 साल तुम्हारे चक्कर लांदे रहने बस का किराया करांदे करते रहना तो उससे कोई फायदा नहीं है। बाकी अभी हमारे यहाँ के क्या बोलते हैं इसको प्रधान यहाँ बैठे हुए थे मेरे को बता रहे थे कि ये मैडम है इनका घर है ऊपर और इनका घर का जो पैसा है SC उसका मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैडम मेरे पास नहीं आए मैंने बड़ा बड़ी काम किए मैं। और एक और चीज मैं बोलता जिस आदमी ने भी मेरे का काम कराने वास्ते आना है उस कोई मुझान की जरूरत नहीं है। ये नहीं चाहता कि कोई खास कोई बड़ा मनु पकड़ी के ले आना तुम सीधे मेरे का आओ ये जरूर है मैं तुम्हारी शक्ल नहीं पहचान ही सकता एकदम मुझे टाइम लगना। अबे इतने तुसी बैठे दिन कल तुसी मुझे बाजार मिली आना तो मुझे नहीं पता लगना कि मैं इतने मिले दिया तुसी एक चेहरा दिखना है मैं 80,000 ना याद थे चेहरे याद करने मुझे टाइम लगना बुरा नहीं मन मैं कई बार मुझे पूछना पौंदा भी कुत्थे कहाँ आए तुसी बोलना यार मैं खड़ा है मैं मीटिंग अंदर बैठा गया तुसी मुझे नमस्ते कहते हैं भाई मेरे वास्ते सब बराबर हैं मैं सारे का काम करना है। जे मैं एक परिवार का मुखिया बनया है तो परिवार के सारे सदस्य जड़े हैं मेरे वास्ते बराबर हैं। मैं एक नज़र का सारे जो दिखता मैं करता हूँ मैं सारे जो एक नज़र का दिखता है तो बाकी कुछ जो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जड़े भाजपा के भी हमारे लोग हैं हमारे भाजपा के इतने कोई प्रधान है उप प्रधान है इलाके के हैं कुछ जो कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपे भी बोलता कुछ जो कोई डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वो पाकिस्तानी थोड़ी इनके मैं मेरे गले कटी रहने अपने ही लोग हैं अपने ही लोग हैं। अगर वो मेरे पास कोई काम कराने के लिए आएंगे मैं कभी उनको अच्छा काम मेरे पास कराने के लिए आएंगे इलाके का मैं करूँगा मेरे को कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। तो किसी को ऐसा करने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटियाँ जो हैं कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटियाँ जो हैं वो इस बार दी हैं। पहली गारंटी है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो चालू की जाएगी। दूसरी गारंटी जो है कांग्रेस पार्टी ने दी है जड़ी दूजी गारंटी कांग्रेस पार्टी ने देती है वो ये है 1500 रुपये महीना हर महिला जो 18 का 60 साल की उम्र की होनी चाहिए। घरे अंदर एक है तो 1500 घरे अंदर दो है तो 3000 घरे अंदर तीन है तो 4500 घरे अंदर चार है तो 6000 घरे अंदर पाँच है तो 7500 घरे अंदर सात है जड़ा भी है मैं गिनती बिचंद भूली गया। तो मेरा बोलने का मतलब है बशर्ते जड़ी है सरकारी नौकर नहीं होनी चाहिए पहले कोई पेंशन नहीं लेंदी है इसे कोई मापदंड बने दे तुसी फार्मा भरो ते अपना काम अगे कराओ कले 300 यूनिट बिजली जड़ी है वो मुफ्त मिलनी 300 यूनिट बिजली जड़ी है सरकार ने मुफ्त देनी 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल हर विधानसभा क्षेत्र अंदर खोलने 5 लाख कुड़िया ते मुंडिया जो रोजगार देना 5 साल अंदर 5 लाख कुड़िया ते मुंडिया जो रोजगार देना 5 साल अंदर कने 10 करोड़ रुपया जड़ा है 10 करोड़ रुपया जड़ा है पर विधानसभा क्षेत्र अपना ब्याज मुक्त ऋण यानी कि जो 5 लाख रुपया तुसी बैंक का लेंदे तो 5 लाख ही हटाना 5 साल बाद ब्याज जड़ा है से माफ करी जाना से सरकार ने जाना उस वास्ते जड़ा है 10 करोड़ रुपये का एक फंड बनाया है सरकार ने। मनरेगा की दिहाड़ी जड़ी है मुकेश अग्निहोत्री ने बोली दी सरकार बननी तो 350 रुपये हो जानी 212 रुपये अबे है तो ये कांग्रेस की सरकार है तो पता है गरीब का काम कर दी हमेशा ये जमीन जड़ी तुम्हारे जो मिली है बोने वास्ते ये इंदिरा गांधी जी ने दी तुम्हारा पंचायती राज एक्ट जड़ा है तुम्हारा प्रधान उप प्रधान जिला परिषद कुणी लेके आए राजीव गांधी जी ने दिता मनरेगा कौन लेके आए कांग्रेस पार्टी लेके आई जे मनरेगा नहीं होंदा तो प्रधान का 1/54 भी नहीं होनी थी खर्चने जो कुछ भी नहीं होंदा थी प्रधान का अज मनरेगा की वजह कने इन्ना कम है ग्रां अंदर और अब ये सरकार चाहती कि मनरेगा भी जड़ी है फेल हो जाए। तुसी गैस का सिलेंडर का रेट सरिया एक पासे का महंगाई
तो दूसरे पासे का बेरोजगारी, बोलते डबल इंजन दी सरकार। मैं बोलते जडेरा पधारने पर हार्दिक स्वागत है। आदरणीय श्री नीरज नैयर जी का जडेरा पधारने पर हार्दिक स्वागत। इनके साथ जो जो भी आए इनका दिल की गहराइयों से स्वागत है। एक बार फिर से श्री नीरज नैयर जी का जडेरा पधारने पर तालियों से स्वागत किया जाए। Thank you.
ग्राम पंचायत जड़ेरा के इस ऐतिहासिक कह सकते हैं इसको रामलीला मैदान में इनका यह पधारने पर जड़ेरा पंचायत चंबी पंचायत की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आज की ये जो सभा चुनाव के वक्त और एक चुनावी समर है, वोट की जरूरत है और इसलिए जो यहाँ आए हैं तो मैं इनके साथ आए हुए मेदी जी धोरता पंचायत के प्रधान श्रीमती यास्मीन जी, बरोट पंचायत के प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी जी, ग्राम पंचायत जडेरा के प्रधान श्री लेखराज जी, लियाकत खान जी पूर्व जिला परिषद, अच्छा मैं इनको पुराने आदि को बोल दिया, मैं क्योंकि मैं खुद नया हूँ इस पार्टी में तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे वरिष्ठ नेता श्री हांडा जी, जो पंचगढ़ गलवान व्यक्ति हो तो मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आग्रह करूंगा प्रधान ग्राम पंचायत जड़ेरा के श्री लेखराज जी से, भारत माता की, चंबा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी श्री नीरज ने यह दी सम्मानित मंच और यहाँ पर आए हुए हमारी जनता जनार्दन, आप सभी का हम यहाँ पर पधारने पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आपको पता है कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है और आप लोगों से मेरी यही अपील है कि आप बढ़ चढ़कर श्री नीरज नैयर जी का सहयोग करें और मैं महोदय जी के समक्ष कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ। महोदय जी, जड़ेरा पंचायत के 3 वार्ड ऐसे हैं जहाँ सड़क की जड़ेरा पंचायत के 3 वार्ड ऐसे हैं जहाँ सड़क की काफ़ी ज़्यादा जरूरत है, जैसे हमारा केगा वार्ड, सुरार वार्ड और थल्ला वार्ड, जहाँ सारे लोगों को जो है 7-8 किलोमीटर आना जाना, इतनी ही खस्ता हालत हो चुकी है। तो मेरी महोदय जी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आने वाले टाइम में उन स्कूलों की जो हालत ख़राब है उनको भी ठीक करवाया जाए। और मैं महोदय जी के समक्ष एक बात और रखना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ जड़ेरा पंचायत में हॉस्पिटल है, ना ही सर वहाँ डॉक्टर है ना ही आज तक मैंने दवाइयाँ देखी है, तो सर ऐसे मेडिकल कॉलेज में तो सर हमें भी जरूरत है, तो मेरी आपसे यही विनती रहेगी कि आप यहाँ आने वाले टाइम में काम के ऊपर ध्यान दें, तो क्योंकि सर जड़ेरा पंचायत हर बार की तरह इस बार भी आपको जो है वो अच्छी लीड देने जा रही है। चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने यह ठान लिया है कि 9 दिन के बाद आने वाले विधायक श्री नीरज नैयर जी को मान लिया है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। माननीय महोदय और गणमान्य जितने भी व्यक्ति हैं, क्योंकि सम्मानित जो भी हैं, मैं अक्सर जहां जाता हूं एक बात कहता हूं क्योंकि मेरे जहन में वो बात है और मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी ये कहता हूं कि भाई 70 साल का हिसाब दो। वो पार्टी मांग रही है 70 साल में आपने क्या किया, तो वो 70 साल का हिसाब आपके पास होना चाहिए कि 70 साल में क्या किया। ये तो मैं भी मानता हूँ कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे भाई 70 साल का सफर करते करते सरसों का तेल 70 रुपए तक पहुँचा, उन्होंने 7 साल में 3 गुना बढ़ा दिया। 70 साल का सफर करते करते इन्होंने पेट्रोल को 55 रुपए तक पहुँचाया, इनमें कमी रही और उन्होंने 7 साल में जो था वो दुगना कर दिया, 110 रुपए कर दिया। तो ये ऐसी जो उपलब्धियाँ हैं, और मेरे भाइयों कांग्रेस ने जो दिया है, हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास सुई बनाने के लिए भी कोई साधन नहीं था और इन 70 सालों के अंदर 3 जंगें लड़ी हैं और जो देश जंग लड़ता है वो 10 साल पीछे चला जाता है। अब 56 इंच का सीना लेकर जो आए हैं, तो आप सबको पता आजकल कोई भी बेखबर नहीं है क्योंकि सबके पास मोबाइल है, चाइना कितना घुस गया, कहाँ है वो 56 इंच का सीना।
और पाकिस्तान के लिए बोलते थे हम 10 सिर काट कर लाएंगे, कहाँ सिर काटा? तो इन्होंने बेच दिया। कितने एम्स जो कांग्रेस पार्टी ने दिए थे, कितने रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइनें कांग्रेस पार्टी ने बिछाई थी, और कितने मेडिकल कॉलेज जो कांग्रेस पार्टी ने दिए थे। और सबसे ज्यादा ये बात मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो जनता यहाँ बैठी हुई है, हम जो गरीब लोग हैं, हमको कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया? जमीनों के माल को बनाए तो कांग्रेस पार्टी ने बनाए, इन्होंने तो सिर्फ हाँ एक चीज, सब चीजों पर इन्होंने जीएसटी टैक्स ठोक दिया, गब्बर सिंह टैक्स, लेकिन एक चीज को टैक्स फ्री कर दिया, झूठ को टैक्स फ्री कर दिया। जितना हो सके मारो, झूठ पे कोई टैक्स नहीं है, जितना मार सकते हैं मारो, लेकिन हो सभी चीजों के ऊपर इन्होंने टैक्स डाल दिया। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप सभी समझदार लोग हैं, आप इस चीज को खूब समझते हैं कि 2014 से पहले क्या था, तो हम जाकर रोते थे जब किसी मुसलमान होता है, कोई भी देश, जब कोई भी गांव, जब कोई भी परिवार तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर एकता ना हो, ये देश की बात है। तो दोस्तों, हम अपनी तकदीर खुद लिखने जा रहे हैं 12 तारीख को। फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ वो, पहले सोच समझ के वोट डालो ना, अपनी तकदीर आप लिखते हैं, खुद आप लिखते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हम जिस नालायक नेता को वोट डालते हैं, आगे जाकर वो किसी गरीब को तंग करता है, उनमें हमारा भी इच्छा होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि अमीर के गरीबों के मसीहा और गरीबों को जानने वाले हमारे नेता श्री नीरज नैयर जी को वोट देकर इनको कामयाब बनाएं, ताकि आप गरीबों को वहाँ जाकर धक्के ना खाने पड़े, आपको रेस्टोरेंट में ना जाना पड़े, और जो भाषा वो बोलते हैं वो मैं स्टेज पे नहीं बोल सकता। मेरी को बनाए रखो हमारे पहले, अच्छा 60 साल में वो मोदी जी बोलते थे भाई 60 साल भाइयों बहनों इनको दिए, 60 महीने मांगता हूँ आपसे, हमने उनको 60 महीने दे दिए। जब 60 महीने दे दिए, पहले तो हम बोलते थे भाई सरकार कुछ नहीं देती, ये नहीं देती, वो नहीं देती। अब ये बाल्टी जो पीछा छोड़ने वाली नहीं है भाइयों बहनों, जरा सोच के समझ के लोगों के बहकावे में मत आइए, आप कांग्रेस को जिताइए। और जैसे कि 70 साल में जो भाईचारा था, आहिस्ता आहिस्ता जो देश को अग्रसर किया था तरक्की की तरफ, अगर उस तरक्की को लाना तो मेरे बहनों भाइयों कांग्रेस को जिताओ, वक्त का अभाव है। इसलिए ज्यादा ना बोलता हुआ मैं इधर ही अपनी बातों का खत्म करूंगा, लेकिन एक चीज का जिम्मेवार आप हैं, अपनी तकदीर खुद लिखिएगा 12 तारीख को, हाथ के बटन के ऊपर बटन दबा के। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद गनी जी। इसके बाद हमारे पुराने साथी जो मेरे साथ, मैं अपनी ओर से और चंबा सदर के प्रत्याशी श्री नीरज नैयर की ओर से आप सभी लोगों का यहाँ पर धारने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, बोलने के लिए तो कुछ बचा नहीं है क्योंकि गनी जी ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन चलो हमें बोलने का मौका दिया गया तो चांद लाइनें हम भी सुना देते हैं। सही बोला गनी जी ने कि हर चीज पे टैक्स लगा हुआ है। जो मेरी माता बहने हैं उनकी चूड़ियों पे टैक्स है, उनकी बिंदी पे टैक्स है, उनकी पायल पे टैक्स है। इस सरकार ने जो है हर वर्ग की जो है बखियां उधेड़ कर रख दी हैं। दोस्तों, महंगाई चरम सीमा पर है, सिलेंडर का रेट देख लो, आटा देख लो, सरसों का तेल देख लो, पेट्रोल डीजल देख लो। बोलने का मतलब ये है कि हमने तो जन्मजात से बीजेपी में दिन गुजारे हैं, लेकिन इनकी कुनीतियों से तंग आकर और इनके परिवार से तंग आकर मैं भी प्रदेश सचिव था अल्पसंख्यक मोर्चा का, लेकिन कुछ लोगों को इन्होंने तवज्जो दी, उनको आगे लाया और हमें जो है नजरअंदाज कर दिया, हमारे साथ भेदभाव किया गया। लेकिन 5 साल तक हमने इनकी शक्ल तक नहीं आई, कैसे पेड़ों के पत्ते जल रहे हैं।
क्योंकि किसी शायर ने बोला था कि ऐ दिला मत कर गिला अभी गम की रात है, ऐ दिला मत कर गिला अभी गम की रात है, दिन तो बहुत अच्छे आएंगे सिर्फ 8 दिसंबर तक की बात है। नारा लगाने में ये एक नंबर अपन है, झूठ मारने में ये सबसे पहले नारा लगाते हैं कि मोदी योगी का एक ही नारा, प्रदेश में बहा देंगे विकास की धारा, विकास की धारा ये बहा दी कि मेरे बहनों भाइयों को 6-6 महीनों से सिलेंडर भरवाए हुए हो गए, विकास की धारा हो गई, आटा 30 रुपए की धारा हो गई। इनको ये मैसेज देना है कि मोदी योगी का एक ही नारा, भाइयों ना घर बसा तुम्हारा और हमारा तो बसने दो, हमारा भी डाल देंगे आप। क्योंकि समय की अनुभव है तो हमारे जो चंबा के प्रत्याशी हैं, शायद ही मैंने अपनी लाइफ में ऐसा ईमानदार प्रत्याशी नहीं देखा है। इसी प्रत्याशी की वजह से मेयर जी के साथ चलते हैं, क्योंकि काम करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। मेरे कुछ काम अटके हुए थे, बैंक में मैनेजर थे उस वक्त, तो मैंने बोला मेरे सेक्रेटरी ने जो है चेक वो काले पेन से वो भर दिया, बेदी जी नहीं माने, बोले जी ये अलाउड नहीं है। मैंने बोला मैंने जाना ना पठानकोट बेदी जी कर दो, बोले नहीं नहीं क्योंकि मैं बीजेपी का था, छोड़ो होता ही है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैंने उस दिन समझा नहीं यार बंदा कामदा है। जब पवन ने उसको मोदी फोन कर दिया, मैंने बोला ये बात है तो ऐसे, बोले तो हाँ टांडा ले जाओ या पठानकोट ले जाओ। भाई टांडा पठानकोट ले जाना होता तेरे से फोन क्यों करवाता मैं? आप मेरे पे विश्वास करो यार, विश्वास करो भाई, तेरे पे बेविश्वासी कौन सी हो गई जो आप बोल रहे हैं कि मेरे पे विश्वास करो। तो मित्रों ऐसी है कि ये विश्वास विश्वास में ही 5 साल जो इसने गुजार दिए। मैंने कभी भी कांग्रेस की तरफ नहीं देखा, मैंने भी बहुत चुनाव देखे हैं, मैं छोटा सा बच्चा था तो मैं चलने लगा था, आज मेरी उम्र 45-48 वर्ष की हो गई है, लेकिन इतना हजूम मैं कांग्रेस के साथ चलते नहीं देखा है। क्योंकि हर्ष महाजन भी मैं आपको एक बहुत ही दिग्गज नेता समझते थे, उनके साथ भी नहीं चला। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व कांग्रेस के प्रत्याशी श्री नीरज नैयर जी, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और यहाँ पर जडेराबाद चंबी की पंचायतों से आए हुए आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो चुनाव है वो बहुत ही करीब आ पहुँचा है और 7-8 दिनों का जो समय है उसके लिए बचा है, और आप ये भी जानते हैं कि इस बार चंबा विधानसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी श्री नीरज नैयर जी जो है वो बड़ी भारी लीड से जो है वो विजय प्राप्त करने वाले हैं, और जो इनकी जीत होने वाली है और ये निश्चित है, और इस जीत के लिए जो श्रेय जाता है वो हमारे हरदील अजीज नेता नीरज नैयर जी को ही जाता है, क्योंकि कोई भी इनके पास गया है वो निराश होकर के इनके दरवाजे से लौटा नहीं है। इन्होंने हर व्यक्ति का कार्य जो है नीरज नैयर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इन्होंने हर व्यक्ति का कार्य उस व्यक्ति को अपना समझते हुए अपने दिल से लगा करके उस व्यक्ति का कार्य। इन 15 सालों में जो यूथ की टीम, जो युवा कांग्रेस की टीम आज चंबा विधानसभा क्षेत्र के अंदर है, मुझे नहीं लगता हिमाचल प्रदेश में कहीं और ऐसी टीम जो है वो कार्य कर, और उसको अपने साथ जोड़ा। आज हमारे चंबा विधानसभा का कोई भी युवा है, चाहे वो जनसंघ के परिवार से है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार से है, वो भी आज नीरज नैयर जी के साथ चला हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में चंबा का जो भविष्य बनाने वाला नेता है, चंबा का जो भविष्य सुधारने वाला नेता है, वो नीरज नैयर ही है। हमने जो इन 5 सालों में जो विकास
चंबा के अंदर 5 सालों में जो विकास हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है वो पूरा में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार या जिसकी भी सत्ता रही, चाहे कांग्रेस की थी चाहे भाजपा की थी, इतना विकास जो था इनके समय में विकास हुआ है हम मानते हैं, लेकिन इनके समय में विकास हुआ है भ्रष्टाचार का, इनके समय में विकास हुआ है बेरोजगारी का, इनके समय में विकास हुआ है महंगाई का, इनके समय में विकास हुआ है मजबों के बीच में जो खाई खींच दी गई है उस खाई का ये है 70 सालों में वो कार्य नहीं हुए, सब कुछ 5 सालों में बना है। मैं बताना चाहूँगा आप इस मंच के माध्यम से, जिस दिन चंबा के जो पूर्व विधायक थे, जिस दिन उनको भाजपा से टिकट मिला था, प्रेयर का पुल उसी दिन गिर गया। तो भाजपा के नेताओं को कि चंबा विधानसभा क्षेत्र की कोई एक बड़ी उपलब्धि बता दे जिसका शिलान्यास भी इन्होंने किया और जिसका उद्घाटन भी इन्होंने करके लोगों को जो है लोकार्पण किया है, एक काम कोई बता दे। ये लोग सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं, मजबों के नाम पे लड़ाना जानते हैं। अभी किसी एक हमारे मित्र ने फेसबुक पे बड़ा अच्छा लिखा था कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान और बगल में पाकिस्तान ना होता तो हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान ना होता। ये मजहब के नाम पे बांटने वाले लोग हैं, और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग को हर मजहब को जो है वो साथ लेकर के चलती है। और हमारे चंबा की ये खुशकिस्मती है कि हमें भाई नीरज नैयर जैसा नेता जो है वो मिला है। आप इनके पास जब भी जाएंगे इनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप जाकर के काम बता दीजिए ये आपका काम करेंगे, और हम इनके साथ रहे हैं। इन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी ऐसे ऐसे काम लोगों के करवाए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी चंबा के अंदर नहीं करवा पाए। हमें विधायक ऐसा चाहिए जो गरीबों की आवाज़ को सुन सके, जो युवाओं की आवाज़ को सुन सके, जो दबे कुचले लोगों की आवाज़ को सुन सके। हमें विधायक ऐसा नहीं चाहिए कि जिसको आप बोलेंगे कि महोदय ये अब मेरा फलान काम था इसके लिए, तो वो बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है यार भाई साहब के हाउस में आके मिल लेना। हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए, हमें वो विधायक चाहिए जो मौके पर ही आपके काम करवाए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आपसे, एक बार पुनः आग्रह है कि अपने अपने क्षेत्र में सब लोग डट जाइए और भारी से भारी जो लीड है अपने क्षेत्र से भाई नीरज नैयर जी को दिलवाइए। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जब नीरज नैयर जी चंबा विधानसभा क्षेत्र से चुन करके शिमला जाएंगे और वहाँ पर जो है जो चंबा का विकास जो है वो तभी संभव हो पाएगा। और ये तय है, ये निश्चित है कि नीरज नैयर जी की जीत जो है वो बड़े भारी मार्जिन से चंबा विधानसभा क्षेत्र के अंदर होने जा रही है। इसलिए उन्होंने आपको चुन करके जो है वो बीजेपी के जो भारतीय जनता पार्टी है उससे जो है अपना रिजाइन किया है। मैं ज़्यादा न बोलता हूँ, एक बार पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ और गुजारिश करना चाहूँगा कि जो है वे अपने अपने क्षेत्र में सब लोग डट जाएँ, जो लोग अभी भी संदेह में हैं उन्हें भी समझाएं, और कांग्रेस पार्टी की जी मैं आपको बताते हैं कैसे काम किया रहा है। बहाल और धार एक भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जो यहाँ बैठे हैं सारे का बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहता कि मुझे इस व्यस्त टाइम के अंदर सब लोग जो हैं मेरे साथ जगह जगह जा रहे हैं और पार्टी का जो है गौरव जो है बढ़ा रहे हैं। और आज जडेरा पंचायत और चंबी पंचायत और आसपास की लगती पंचायतों के मेरे बुजुर्ग साथी, मेरे यूथ के साथी जो आज यहाँ सारे एकत्रित हुए हैं, मैं आप सबका जो है तहे दिल से हमें इस वक्त बड़ा व्यस्त है, घास मक्की अलग अलग चीज़ों का काम आजकल बड़े जोरों पर है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है इतनी भारी तादाद में यहाँ एकत्रित हुए हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, पिछले 15 वर्षों से जो चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चंबा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ भाजपा का विधायक जो है वो विराजमान है। 10 साल आदरणीय बीके चौहान जी रहे
और 5 साल अब आदरणीय पवन नैयर जी ने लगा दिए, 15 साल हो गया। और जो मेरा कांग्रेस का वर्कर आज यहाँ इकट्ठा हुआ है, मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूँ कि जिस इलाके के अंदर 15 साल से किसी पार्टी का विधायक ना रहा हो, उतने तो मैं सुने हैं पार्टी के बीज भी खत्म हो जाते, लेकिन तुसी लोग सारे पार्टी के ने खड़े नहीं। मुझे 25 दिन का टाइम मिलया थिया, 25 दिन अंदर मैं 25,000 वोट लेते, पर उसका उसका जो श्रेय है उसी लोगों ने वोट पाए ता जाई के मैं 25,000 पर पुजिया। तो जड़ी मेरी हार थी और 900 साढ़े 900 वोटा का हुई। पहले तो मैं राजनीति अंदर नवा थी, कभी इलेक्शन नहीं लड़ी थी। मुझे पहले लग गया कि क्या गल है यार, मेरी इन्नी बढ़िया रैली हुई, इन्ने लोग दिए, मैं हारी किया गया। बाद अंदर जी मैं 5 साल अंदर कम कितिया तो मुझे वाकई लग गया कि मुझे 25,000 वोट पे गई। मैं तो कुछ जो जानता ही नहीं दिया, मैं कुछ ग्रह नहीं गया, मेरी मेरी कोई खास ज्यादा कमाई नहीं थी। हाँ ये जरूर थिया कि 5 साल राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार आई, उस अंदर मैं APMC का चेयरमैन बनया, बड़े लोगों के काम किते, पर यह सोची के नहीं किते थे कि कल जो इलेक्शन लड़नी है। जड़ा आदमी मेरे का काम कराने वास्ते आया, मैं उस जो मायूस करी के नहीं भेजिया, उस वास्ते फोन भी किते, कोई ट्रांसफर के काम दिए, कोई स्कूल खोलने दिए, कोई डिस्पेंसरियाँ खोलनी थी, कोई सड़क के काम दिए। मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो 2012 से लेकर 2017 तक जो राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार रही है, उसके अंदर मैंने खुद स्वयं 32 स्कूल जो हैं मैंने अपग्रेड कराए या नए खुलवाए, 32। जो आपके अभी चंबा से विधायक आदरणीय पवन नैयर जी हैं, आप उनसे मेरी तुलना करके देखो। मैंने तो कभी वोट नहीं मांगे थे, मुझे पता नहीं था कि मैंने इलेक्शन लड़नी है। जब मेरे दिमाग अंदर होता ना मैं इलेक्शन लड़नी है, तो मैं तो ग्राह ग्राह फिरना शुरू कर दिया थी, वही भी 5 साल अंदर। तो मिंजो थिया कि मान साहब ने इलेक्शन लड़नी है, तो मैं ले के जो खोदल पानी मिंजो हुई चेयरमैन बनाया था, चलो मान साहब अपना टेने और 2 साल 5 साल 10 साल ला ही लेंगे, उसके बाद मेरा नंबर लगी जाना। तो मैं इस हिसाब के ने फील्ड अंदर नहीं दौड़िया, लेकिन जड़ा आदमी मेरे का काम कराने वास्ते आया वो मेरे इतने का मायूस हो के नहीं किया। मैं बड़े काम कराए, मैं APMC का चेयरमैन बनया, कम से कम 25 यूथ जो मैं नौकरियां दवाई APMC अंदर आपू। और मेरा हाल वो थिया कि मैं पूछी के करता थी, मैं जो मुंडे थे जड़े नौकर लाने, मैं जानते ही नहीं थी कुछ, जो जड़े बंदे मेरे का ले आए आज 35-35, 40-40, 50-50 हज़ार, 70-70 हज़ार पेपर लगे थे नौकरी मत्थे पर, जिसे लिखे था सी से लगी गया। तो बाकी गल ये है, मुझे याद है मैं सिल्ला घराट 10वीं दिया, 12वीं कराया, मंगला पंचायत 10वीं दिया, 12वीं कराया, कोलका पंचायत 10वीं दिया, 12वीं कराया, करौथा पंचायत 8वीं दिया, 10वीं कराया, 6 महीने बाद 10वीं दिया, 12वीं करवाया, कोलका 10वीं दिया, 12वीं कराया, जटकरी पंचायत अंदर लांगे गले 8वीं दिया, 10वीं कराया, टिकरी दिया, 12वीं कराया, 4 प्राइमरी स्कूल सिंगी पंचायत अंदर खुलवाए, 4 प्राइमरी स्कूल पल्यूर अंदर खुलवाए। मिंजो राजा साहब बोलते थे, मुख्यमंत्री थे, बोले इन्हें स्कूल की जो तू इलेक्शन थोड़ी लड़नी है, तू की जो खुलवाए करता स्कूल। उन्हें हिंदी अंदर बोलिया, मैं उसे अनुवाद जड़ा है चमयाली अंदर करे करता, बोला आपने कोई इलेक्शन थोड़ी लड़नी है, आपका एक स्कूल खोल रहे। और मैंने बोला जी मेरे पास प्रधान आए हैं पर्चियाँ लेके, तो भाई अब इन्होंने दी हैं तो मैं आपके साथ, वो मेरे को बोलते पक्का प्रधानों की इलेक्शन होगी तभी जो है ये स्कूल खुलवा रहे हैं। गल अवे राज साहब बेचारे हमारे बिच अंदर आज नहीं हैं, बड़ी बड़ी शख्सियत थी, बड़ा मजा आया उन्होंने काम करने का, जड़ी चीज मंगी से मिली। तुम्हारी जड़ी साउदी सड़क है, इसेरा वाइंडिंग का काम
7,33,00,000 रुपए का से असी कराया। तुम्हारा साहु अंदर CHC जड़ी है कौल सिंह ठाकुर ने खोली थी 5 करोड़ दी से असी कराई। सुन दे आओ अजय जड़ी तुम्हारी खजार जोत वाली सड़क है जड़ी चंबा जोत सड़क है उसेरी भी वाइडनिंग का काम आज भी है लगे था से असी कराया। जड़ी तुम्हारी झमार वाली रोड है ये सारे हमारे कार्यकाल अंदर हुए ये सड़क होनी नहीं थी। मेरे का जीत सिंह ठाकुर एक्सीडेंट दिया राजा वीरभद्र सिंह जी को बोल के इसको MDR कर दो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, क्योंकि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ पैसे आए हुए थे। तो मैं राजा साहब के पास गया और सेक्रेटरी PWD और डिप्टी सेक्रेटरी PWD और DC साहब से रिकमेंडेशन, मुक्ता जी जो थे उस टाइम के DC थे, तीनों को मैं शिमला लेके गया और मैंने 3 दिन के अंदर जो है इन सड़कों का जो नाम है वो बदलवा दिया। जो डिस्ट्रिक्ट रोड था उससे हमने इसको मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड करा दिया और उसके बाद उसका फ़ायदा ये हुआ कि ये जो सड़कें हैं ये जो है ठाकुर साहब ने उसके अंदर डाल दी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड्स आते हैं और फिर इन सड़कों के लिए जो है पैसा स्वीकृत हो गया। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, पर बाकी गल ये है कि सारे काम तो मैं नहीं कराई सकता, 100% काम कोई नहीं कराई सकता, पर कोशिश पूरी होनी। बाकी कोई मत्थे दी भी गल्लां हुंदियां, कई बारी क्या हुंदा मैं कोशिश करता है, मेरा बड़ा खास आदमी है इसेरा काम तो मैं कराना ही कराना, मैं दिन रात लाई दिंदा उसेरा हुंदा नहीं, जिसेरे वास्ते एक रात लांदा उसेरा हो जांदा, तो जिसेरे वास्ते 6 महीने लाई दिते से बेचारा रह जांदा। मत्थे दी भी गल्लां हुंदियां कई बारी। बाकी ऐसा है कि मैं इलाके के अंदर घूमा हूँ और मैंने एक चीज पाई है कि हर इलाके के अंदर जो है हर आदमी जो है परेशान है, और जो बेचारे हमारे गरीब परिवार हैं वो एक ही चीज बोलते हैं, मेरे बच्चे को नौकरी दिलवा दो। सबसे बड़ी जो दिक्कत है चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ऐसे है जहाँ लोगों को पीठ पे उठा के जो है सड़क तक जो है लाना पड़ता है, सीमेंट ईंट अगर कोई बीमार हो जाए तो 4-4 लोग जो है उनको सड़क तक पहुँचाते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है अगर आप लोगों ने मौका दिया और सरकार हमारी कांग्रेस की बनती है तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा, जिन इलाकों का मुझे पता लगा है जहाँ सड़कों की ज़रूरत है वहाँ मैं सड़कें पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ये सबसे जो दूसरे नंबर पे सड़कें जो मैंने देखा है, और अभी आपकी जडेरा पंचायत का प्रेती साहब मुझे बोल दे मैं ताई करना चाह रहा जो मैं पहले वोट गिरने Thank you.